हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमन, और कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और आज हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे और कल रात सोए भी बहुत लेट, क्योंकि कल हम थोड़ा सा पेट में भी गए थे सब्जी वगैरह लेने के लिए घर की, और फिर खाना भी घर से ही पैक करवाया, तो थोड़ा सा लेट हो गई थी आते आते। तो उसके बाद फिर कल हम 12 बजे तक सोई, और फिर कल सॉरी अंकित सुबह में ही चले गया था जल्दी, तो इस वजह से सुबह में जल्दी उठना पड़ा। और वो निकल गया है सुबह में जल्दी जल्दी, तो मैं फिर उसको वीडियो में दिखा नहीं पाई। और अभी वो निकल गया है यहाँ से, तो अभी लड्डू भी स्कूल चले गया, अंजू उसको छोड़ने जा रखी है, और रज्जुदी भी हॉस्पिटल जा रखी है, आज वो अपने लिए नहीं जा रखी है। वहाँ पे यहाँ पे दीदी की क्या कहते हैं भतीजी भी रहती है, जेठानी की लड़की मतलब, तो उसका क्या उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो उसके साथ गई हुई है हॉस्पिटल चेकअप के लिए। तो सुबह सुबह निकल गए वो भी आज, क्योंकि एक दो दिन में शायद उसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो डॉक्टर को चेकअप करने के लिए दिखाना था, तो वो निकल गई है। तो अभी मैं और को घर पे है, को की थोड़ा अभी फीवर है, को को बुखार बहुत आ रहे हैं उसको रात को। तो फिर अभी चलो चलते हैं और ये करते हैं क्लीन, कमरा भी क्लीन करते हैं। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सुबह से कल बहुत कोहरा था पर आज नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आज बिल्कुल साफ है, धूप आ रखी है बहुत जल्दी, कल तो 11 बजे धूप आई थी बट आज साफ है। तो चलो अभी करते हैं सफाई और फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, और शायद कल परसों तक हम भी चले जाएंगे। आज है 29, इसने मुझे डरा दिया ये अचानक से आ गई। तो अभी चलो चलते हैं, और अभी मैं पानी पुनी भी पीती हूँ, मैंने पानी भी नहीं पिया, और सफाई करेंगे। तो अभी मैंने पानी वगैरह भी पी दिया है दोस्तों, और ये टोपी मैं कल लेके आ गई आई थी, तो ये अंकित की पसंद है रंजू की, तो यहाँ पे देखो ये लव लव मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट कोई नहीं, ठंड से बचने के लिए बहुत सही है। तो अभी हम कर रहे हैं सफाई क्योंकि टाइम भी हो गया है, और यहाँ पे अभी मैं कपड़े धुल रही हूँ क्योंकि हम भी चले जाएंगे उसके बाद, दीदी को थोड़ा कपड़े धुलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए अभी मैं कपड़े धुलूंगी। और कपड़े देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं छोटे बच्चों के साथ में, वो एकदम कभी स्कूल भी जाते थे स्कूल में से इतने गंदे करके आ रहे हैं कपड़े, तो अभी दिखाती हूँ मैं कितने सारे कपड़े हैं। ये देखो ये इतनी बड़ी बकेट पूरे कपड़ों से भरी हुई है, तो अभी हम छानते हैं। तो अभी मैं लगाती हूँ मशीन और फिर फटाफट इसको छान के, और फिर करेंगे नाश्ता वगैरह भी, क्योंकि अभी नाश्ता भी नहीं बनाया है तभी। तो दोस्तों अभी हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया, और अभी हम धूप पे बैठ रहे हैं, और अभी अंकित वापस आ गया है क्योंकि उसकी ड्यूटी इधर ही लग गई है, उसके दिन को छोड़ना आया हुआ था तो उनको उसने वापस लेके जाना है, तो एक दिन शायद वो यहीं रहेगा। और फिर वो वापस आ रहा है, 82 तक पहुंच गया था बट फिर वो वापस आ रहा है 82 से, तो फालतू में गया सुबह सुबह, आज वो सुबह सुबह ठंड में गया फिर वापस आ गया है, तो पहुंच नहीं होगा वाला होगा यहाँ। अभी मैंने कपड़े कुपड़े भी सारे धुल दिए, मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ मैंने कितने सारे कपड़े धुले हैं। तो ये देखो यहाँ से मैंने धुले हैं सारे कपड़े पूरे, ये इतने इतने इधर तक, यहाँ अकुक अकुलों के ये है ना, और मेरे यहाँ से है उधर तक वो, और फिर यहाँ उप उधर भी, तो मैंने आज इतने कपड़े धुले हैं। और अभी फिर कपड़े धुल के नाश्ता करके हम थोड़ी देर सेक रहे हैं धूप, और अंकित भी आ गया है, अंकित गया आज लड्डू के स्कूल स्कूल लेने के लिए, तो अभी आएगा तो फिर बताएंगे आया कि नहीं आया। और ये देखो ये वापस आ गया है, लड्डू को स्कूल लेने भी गया था इसलिए हम आज हम नहीं गए। और यहाँ पे देखो रज्जुदी भी बैठी हुई है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये आ तो लड्डू खुश हो गया होगा बोलो का भाई साहब। और ये देखो ये पहुँच गए, तो खाली फालतू तो मैं सुबह सुबह ठंड में जाना पड़ा और वापस ही आ गए बच्चे। और आजकल कुकी को एक चिड़िया पसंद आ रखी है यहाँ, और अंजू उसको चिढ़ा रही है, देखो ये पता नहीं क्यों आ रही है उसको कुकी चिड़िया ये पसंद, कुकी उसने तेरी चिड़िया फेंक दी है, कुकी मांग उससे मांग, इतना रो रहा हो जैसे कोई भी छीन रहा उससे उसको। तो दोस्तों अभी हम आए हैं बाहर, अंकित भी पहुंच गया था जैसे कि मैं आपको बताया, और उसके बाद हम तैयार होके बाहर आ रखे, थोड़ा दीदी को फर्नीचर देखना था तो फर्नीचर के दुकान में आए हुए हैं, अब थोड़ा स्पेस कम है तो रैक वगैरह भी बनवाने, तो उसको सामान लेना है, तो लकड़ी का तो अभी यहाँ पर देखने आ रहे हैं।
और ये है, तो देखते हैं कि हमें पसंद आता है कि नहीं। रचुदी तो दोस्तों अभी हम फर्नीचर का वो दे के भी आ गए हैं, क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर भी दे के आ गए हैं। और अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं छोले कुलचा, क्योंकि अंकित और लड्डू को लग गई थी भूख, क्योंकि वो भी स्कूल से आया और अंकित भी अभी आया वापस, तो फिर उन्होंने कहा हम छोले कुलचे खाएंगे। और आज एक बहुत खास बात है, आज क्या है, आज क्या है, किसका बर्थडे आज को? गोलू का, गोलू का नहीं, नीलू का। आज हमारी गाड़ी का बर्थडे है गाइस। आज हमारी नीलू का बर्थडे है, तो आज हम नीलू के बर्थडे की खुशी में, मतलब आज आई थी, एक साल हो गया है पूरा इस नीलू को, तो आज हम केक कटिंग करेंगे और खाएंगे ना? इसका नाम चुमाना कू ने नीलू लग दिया, सबने, तेरी मम्मी ने रखा हुआ है, तू खा। तो अभी हम यहाँ तारीख है केक लेने गाड़ी के लिए, कि किसका आज बर्थडे है, तो हम केक कट करेंगे और अभी थोड़े से छोटी सी पार्टी भी करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे है और ये देखो, ये है गाड़ी का ओनर, इसका कहने का है मतलब, ये बोल रहा है कि मैं गाड़ी का ओनर हूँ। क्या होता है गाड़ी के ओनर का मतलब, जल्दी बताओ। और इसको पता नहीं, इसको देखो मॉडल में मालिक वाली, ये है गाड़ी का मालिक, सकल है टट्टी जैसी। झूठ बोली है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे BHL के स्टेडियम में। जब हम यहाँ पे गाड़ी सबसे पहले लेके आए थे हरिद्वार, तो हम यहीं पे लेके आए हुए थे, और आज हम केक कट करने के लिए भी यहीं आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सबसे नजदीक का स्टेडियम यही है, और थोड़ा खाली खाली जगह पे तो बच्चों के साथ में सही होता है, तो हम यहाँ पे आ रखे हैं। और पहले यहाँ पे थोड़ा अलग था, अब देखो उन्होंने यहाँ पे ये बंद कर दिया है, और ये पूरा, ये देखो तार वगैरह लगा दी है, पहले ये नहीं थी जब हम गाड़ी छोड़ने आए थे ना, तो ये नहीं थे, और यहाँ पे देखो तार वगैरह लगा रखे हैं, नहीं तो हम, ये नहीं थे तो हम ऊपर चढ़े थे। थोड़े बाद देखते हैं फिर कैसे होता है। और यहाँ पे ये देखो, ये है स्टेडियम का, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ था, और ये है स्टेडियम, तो इसका भी गेट बंद है, और यहाँ पे सबने गाड़ियाँ पार्क की हुई है, तो काफी सुंदर स्टेडियम है, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ था। और यहाँ पे ये बाहर पे, यहाँ पे बहुत सारे खेल रहे हैं, और ये हमारी नीलू, और इसका आज बर्थडे है। और ये देखो यहाँ पर हमने केक लगा दिया है, और बगल पे है ये टट्टी कबूतर की, साफ भी नहीं करने की है तो इसको इग्नोर। और यहाँ पे ये, यहाँ पे केक कटिंग करेंगे हम। और जब रचुदी हम लेके आए तो फर्स्ट यही लेके आए थे, याद है तुझे, स्टेडियम में नहीं लेके आए थे उस दिन भी यहीं, तो यहाँ पे काफी अच्छा लगता है। गाड़ी में नहीं है कोई, अभी हमने केक कट कर लिया है, और यहाँ पर हमने केक भी खा लिया है, उसके बाद और अभी हमने केक कट कर लिया है, और अब हम रबड़ी पार्टी कर रहे हैं, तो रबड़ी बहुत टेस्टी हो रही है, अंदर ये दोनों बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे। और अभी हम, और जो कि अंकित को बहुत अच्छी लग रही है, लगती है रबड़ी ना, तुझे अच्छी लगती ना रबड़ी, तो इसके उस पर बहुत टेस्टी हो रही है। कू को अच्छी नहीं लगी, पर कुछ का टेस्ट पसंद है, कुछ ही तो धूल में मतलब। और उसके बाद हम पार्टी वगैरह करके घर को निकल गए, और घर जाते ही को थोड़ा सा फीवर हो गए थे, ज़्यादा उसको एक दिन से थे फीवर, लड्डू के फीवर मतलब उसको ट्रांसफ़र हो गया था जो वायरल, तो थोड़ा बहुत उसको फीवर थे, ठीक थी सुबह तक, बट वहाँ पे थोड़ा स्टेडियम में उसने खेला तो ज़्यादा फीवर हो गए खेल कूद करके, तो हम थोड़ा वहाँ पर डॉक्टर के पास लेके चले गए, तो डॉक्टर ने कहा घबराने वाली कोई बात नहीं है, वायरल है, ठीक हो जाएगा, और बाहर की चीज़ें खाने के लिए मना किया बस। और फिर हम घर निकल गए और हमने खाना वगैरह खाया। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, और जो आप वीडियो को प्यार देते हो उसके लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।